नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मेहर दीन बंधु अवतार समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र द्विवेदी जय भोले जी द्वारा रोड में पशुओं एवं आवारा मवेशियों को गौशाला में भेजने के लिए कुछ दिन पूर्व ज्ञापन सौंपा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी मेहर एवं अनेकों अनेक ज्ञापनों के माध्यम से एवं मीडिया द्वारा प्रकाशित कर अवगत कराया गया। आज उसी खबर का हुआ असर। यह श्रेय दीन बंधु अवतार समिति के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र द्विवेदी जय भोले जी को जाता एवं मध्य प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेकर एक सराहनीय कार्य किया गया। इस कार्य से मेहर के नागरिकों द्वारा सादर धन्यवाद एवं साधुवाद दिया गया। माँ शारदा प्रबंधक समिति के कर्मचारी द्वारा पशु वाहन से गौ माताओं को गौशाला में एवं यहाँ वहाँ जो आवारा मवेशी घूमते उनको पकड़कर यथा उचित पशु वाहन से गौशाला में विचरण करने के लिए भेजते हैं। इनके द्वारा यह सराहनीय कार्य से यहाँ के रहवासी एवं दर्शनार्थी काफी आनंद पूर्वक महसूस कर रहे हैं। आज आपने वन मंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, किस विषय में ज्ञापन सौंपा? आज वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदय को हमने जी इस आशय की मांग पत्र सौंपा गया कि मंदिर परिक्षेत्र स्थित बस्ती के लोग जहां रहते हैं वहां छोटे छोटे बच्चों को 3-4 बंदर ही चिन्हित बंदर हैं, जो बच्चों को घात लगाकर बैठे रहते हैं और काट कर और घायल करके भाग जाते हैं, और जो बाहर से आए हुए दर्शनार्थी भी अपने छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़ के कुछ सामान खरीदने लगे तो उनको भी जो है तो मौका पाकर वो काट कर और घायल कर भाग जाते हैं। एक दूसरा ये है कि आल्हा ताल जाने वाले रास्ते में जो बाड़ी लगी हुई है, वन विभाग में लगाया हुआ है, तो वो बाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और वहाँ एक समय ऐसा भी था कि बाघ और चीता भी आ गए थे, क्योंकि नवरात्र मेले का समय है और ऐसी स्थिति में हमने ये कहा कि साहब उसकी जो बाड़ी जो है तो उसको आप ठीक करा दीजिए। तो जो बाहरी जो जंगल के जो जानवर हैं वो कम से कम बाहर से आए हुए दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की उनके साथ असुविधा वो घटना दुर्घटना ना घटे। और तीसरा ये है कि अपने मैहर का एक प्रसिद्ध मंदिर पन्नी खो हमारे नीलकंठ स्वामी जी की तपोस्थली है, जिसमें से कि मैहर के लोगों व बाहर दूर दराज से लोगों का एक केंद्र है। वो पन्नी खो स्थित में जो जाने का मार्ग है उस मार्ग को दुरुस्त किया जाए, और जहाँ भगवान नीलकंठ जी स्वामी जी ने जहाँ अपना तपोस्थल को जहाँ क्षेत्र को बनाया था उस तपोस्थल के क्षेत्र को विधिवत विकसित किया जाए, वहाँ की जो कुछ कमियाँ हैं उसको दूर किया जाए। माननीय वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदय सतीश मिश्रा जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमने बंदरों के लिए एक टीम गठित कर दी है और इसको जो है तो हम दिखवा ही लेते हैं। और जो आल्हा उदल जाने के मार्ग पर बाड़ी है उसको भी हम दुरुस्त करवाएंगे, और जो आपके पन्नी खो का रास्ता है वो प्रस्तावित रास्ता है उसके लिए जल्द से जल्द जो है तो सड़क निर्माण का कार्य चालू हो। मेहर से खबर समय जगत के लिए प्रकाश कुमार सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।